उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, स्वच्छता को लेकर सरकार एक सर्वेक्षण अभियान चला रही है, पूरे प्रदेश में, अन्य जिलों में हो रहा है, क्या मैसेज देने का प्रयास है और क्या शुरुआत हुई है? नगर विकास मंत्री जी का आभार और उत्तर प्रदेश की सरकार के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में एक दिन में दो दिन स्वच्छता रैली का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत, उस दिशा में पूरी जागरूकता हो चुकी है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। यह अब हम क्या कहें इसको कि 21वीं शताब्दी में हमें अपने देश की जनता से साफ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए, स्कूल चलने के लिए कहना पड़ रहा है, जबकि ये 16वीं शताब्दी में ये बातों को कहना चाहिए था कि आप स्वस्थ रहें, एजुकेशन करें, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। गांधी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने इस देश को प्रभावित किया उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने झाड़ू उठा करके प्रतीकात्मक रूप से उठाई, पूरे देश ने उठा ली। ऐसी दांडी मार्च में गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया था, देश आज़ाद हो गया था। मोदी जी के एक दिन झाड़ू उठाने से ये अवेयरनेस नई पीढ़ी में आए। मैं फिरोजाबाद के समीप साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, एनजीओ, सभी अच्छे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सरकारी गैर सरकारी संगठन को, नगर आयुक्त, उप आयुक्त और सारे सभासदों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्वच्छता रैली को सफल बनाया। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री, साफ तौर पर कहा है स्वच्छता मैसेज जो दिया है सरकार ने वो जरूरी है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए।